आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। प्यार किया नहीं जाता, आइए सुनते हैं लघु नाटक। इसके लेखक हैं दुर्गेश बुकराज और प्रस्तुति राकेश डोंगियाल की है। देवियों और सज्जनों, आज यहां पधारे सभी महानुभावों का मैं लेखक संघ की ओर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विधि है, आज लेखक संघ के तत्वावधान में घायल साहब का काव्यपाठ होना है। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले मैं वरिष्ठ साहित्यकार श्रीदेव मुसाफिर साहब से अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता का भार संभालने हेतु यहां पधारे। अब मैं हमारे बीच एकमात्र कवियत्री सुश्री सुनैना जी से आग्रह करूंगा कि वे भी यहां पधारे। अब मैं अतिथि कवि श्री घायल साहब से अनुरोध करूंगा कि वे भी यहां पधारने का कष्ट करें। सज्जनों, मैं एक बार पुनः यहां पधारे समस्त कवियों, साहित्यकारों एवं श्रोताओं का स्वागत करता हूं और बिना किसी औपचारिकता के श्री घायल साहब से आग्रह करता हूं कि अपनी रचनाओं का पाठ आरंभ कर हम सभी को अभिभूत करें। श्री घायल साहब। धन्यवाद धन्यवाद शर्मा जी। सर्वप्रथम तो मैं लेखक संघ को आभार ज्ञापित करना चाहूंगा जिसने मुझे यहां बुलाकर सम्मान प्रदान किया एवं एकल काव्य पाठ का अवसर प्रदान किया। मैं अपनी पहली रचना प्रस्तुत कर रहा हूं जी। मुसाफिर जी, आपकी आज्ञा से। आज्ञा। काले नागों की बस्ती है, जरा संभल कर रहना। काले नागों की बस्ती है, जरा संभल कर रहना। ध्यान चाहूंगा कि जीवन की माटी फंसती है, जरा संभल कर रहना। आगे है। काले नागों की बस्ती है, जरा संभल कर रहना। जीवन की माटी फंसती है, जरा संभल कर रहना। और इंतजार की घड़िया तुझको ही डस लेगी जालिम। ये वादे नारों की बस्ती है, जरा संभल कर रहना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने मेरी इतनी हौसला अफजाई की। आगे आप अपने इस रचना के बाद एक गजल प्रस्तुत कर रहा हूं, आशीर्वाद चाहूंगा। इस गजल का मकता देखें। दो दिलों का, दो दिलों का ये बड़ा अजीब नाता है। दो दिलों का ये बड़ा अजीब नाता है। दो दिलों का ये बड़ा अजीब नाता है। जी साहब, आगे ही बढ़ रहा हूँ। और प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। शुक्रिया शुक्रिया। दो दिलों का ये बड़ा अजीब नाता है और प्यार किया। क्षमा करें घायल साहब, मैं आपकी इस बात से हरगिज़ सहमत नहीं हूँ। किस बात से भाई? यही कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। अरे साहब, ये कोई लैला मजनू या शिरीन अरात का जमाना नहीं है। आज लोग पढ़े लिखे हैं, बुद्धि जुड़ी है और आप अभी भी उसी पुरानी लीक पर चल रहे हैं। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। मैं तो कहती हूँ ये सब उस समय की बातें रही होंगी जब लोगों को बौद्धिक विकास नहीं हुआ था, लोग अनपढ़ थे। आज नहीं चाहे किसी से प्यार कैसे हो सकता है। देखिए सुनैना जी, ऐसी बात नहीं है, अब ये तो अपने अपने अनुभव की बात है। अरे वाह साहब, इसमें अनुभव की भला क्या बात हुई, सच तो सच ही होता है ना। अरे आप बड़ी ही अजीब बात कर रही है, क्या ये आवश्यक है कि आप जो कह रही हैं उससे सब सहमत ही हो? और सहमत कैसे नहीं होंगे,
वो तो होना ही पड़ेगा। मैं आपकी बात से सहमत नहीं होऊंगा। सच यही है कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। नहीं, सच ये है कि जब तक ना चाहे प्यार हो ही नहीं सकता। अजीब तमाशा है। ए, शर्मा जी, क्या आप लोगों ने मेरी बेइज्जती करने के लिए मुझे यह बुलाया था? ऐसी बात नहीं हुआ। यदि मुझे मालूम होता कि आप इस प्रकार की बातें कहेंगे तो मैं यहाँ पर भी नहीं आती। सुनैना जी, कृपया शांत हो जाइए। अरे शांत क्या हो जाइए, आप देखते नहीं ये कैसी बातें कहते हैं? बात मैं कह रहा हूँ या आप कह रही हैं? शांत होने की कृपा करिए आप दोनों में से कोई भी। अरे क्या शांत हो जाइए यार, पहले बेइज्जती करा दी और अब कहते हैं शांत हो जाइए। बेइज्जती का इतना ही ख्याल है तो ऐसी रचनाएं लिखते ही क्यों हैं? प्लीज सुनैना जी, गायक साहब कृपया शांत होने की कृपा करें। अरे हम आप दोनों की बात से सहमत है, प्यार किया नहीं जाता है, जाता है, और जब तक मैं चाहे प्यार हो ही नहीं सकता। ये तो यथार्थ की बेइज्जती होगी। जी हाँ, आप सहमत कैसे हो सकते हैं, ये तो इतिहास का अपमान होगा। अच्छा तो ऐसा करते हैं कि फिर कभी इस विषय पर एक दिन विचार गोष्ठी का आयोजन रख लेंगे। अरे वाह साहब, इसका फैसला तो आज ही होना चाहिए। हाँ हाँ, मैं भी यही कहता हूँ, आज और अभी होना चाहिए। शांत रहिए, चूंकि मामला गंभीर है अतः इस संबंध में श्रद्धेय मुसाफिर जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी राय दें। अजीब आदमी है, जहां भलाई बुराई की बात आई मुझ पर छोड़ दी, अब इसमें मैं क्या राय दूं? मुझे तो इस प्यार व्यार का कोई अनुभव भी नहीं है। मोताबिर जी, कृपया आप अपनी कीमती राय दें भाई। क्योंकि मसला काफी गंभीर है और रोचक भी, अच्छा होता अभी तो कांग्रेस का आनंद लिया जाता और इस मुद्दे पर फिर कभी विचार विमर्श किया जाता, जैसा कि अभी अभी शर्मा जी ने कहा था। लेकिन चूंकि दोनों ही पक्ष आज ही इस विषय पर निर्णय चाहते हैं, अतः मेरा सुझाव है इस संबंध में पर्ची डालकर मतदान किया जाना ही उचित होगा। आप सही कहते हैं मुसाफिर साहब, मतदान किया जाना ही उचित है। कहिए घायल साहब, सुनना जी कहिए। ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है, ये हमारे यहाँ सज्जन है ना, ये लीजिए, ये पर्चियां मैं वितरित कर रहा हूं। मैं इन पर प्यार नहीं किया जाता हो जाता है, या जब तक न चाहे प्यार नहीं होगा, वाक्य लिख कर मोड़ कर यहां एकत्रित करने का कष्ट करें। ये लीजिए, ये लीजिए सुनैना जी, ये लीजिए राय साहब, आप भी लीजिए अपनी पर्चियां और पीछे बैठे हुए साहबों को देने की कृपा करें। देखिए पर्चियां मैंने सबको बांट दी, अब अनुरोध है इस पर पर्चियां मोड़ कर यहाँ एकत्रित करने का कष्ट करें, ताकि मुसाफिर साहब उनके आधार पर अपना निर्णय दे सके। यहाँ पर कुल मिलाकर 17 लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है इसका फैसला बोर्ड के द्वारा ही होगा और वो भी मैं पर्चियां लिखूं क्या, समझ में नहीं आता। लैला में ही फिल्म देखने से तो यही लगता है कि प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, लेकिन लेकिन सुनैना जी को भी तो नाराज नहीं किया जा सकता, यही तो गोष्ठियों की रौनक होती है। और यदि वो हार गई तो संभव है कि गोष्ठियों में आना भी बंद कर दे। कम वक्त जब प्यार किया होता तो आज इसका अनुभव तो होता और ये दिन भी नहीं देखना पड़ता। पर्ची पर सत्य बात लिख देते हैं, लैला की बात सच मानकर लिखना उचित प्रतीत होता है। प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, हाँ शायद यही सही है। विधि के विधान को भला कौन मिटा सकता है। हाँ भाई, ये सारी पर्चियां यहाँ जमा हो गई हैं। मुसाफिर जी, कृपया अपनी पर्ची इनमें मिलाकर अपना निर्णय देने का कष्ट करें। हाँ शर्मा जी, ये मैं अपनी पर्ची भी इनमें मिलाकर सब पर्चियां खोल रहा हूँ। ये लीजिए शर्मा जी। जी बहुत अच्छा, सब पर्चियां खुल गई, अब मैं इन्हें गिन रहा हूँ। 1, 2, 4, 5, 8। अरे ये तो सुनैना जी के पक्ष में थी, और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अरे ये तो घायल साहब के पक्ष में गई, यानी कि दोनों के बराबर मत प्राप्त हुए। अरे बराबर कहाँ शर्मा जी,
और वो कोरी पर्ची? अरे हाँ, वो तो मैं भूल गया, यहाँ कुल 17 लोग उपस्थित हैं। अब मेरा विनम्र अनुरोध उन महानुभाव से है जिन्होंने ये कोरी पर्ची डाली है, यहाँ आकर कोई पर्ची डालने के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करें, ताकि इस संबंध में निर्णय लिया जा सके। आश्चर्य, कोई भी नहीं बताना चाहता कि उन्होंने कोरी पर्ची क्यों डाली है। अब आप ही बताएं भाई, क्या किया जाए? क्योंकि आप दोनों को बराबर बराबर मत प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यदि ऐसी ही बात है, कोई नहीं बताना चाहता, तो इसे मैं अपनी हार मानकर आज से ही अपने लेखन से संन्यास लेने की घोषणा करता हूं। अरे नहीं 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 भाई साहब, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे मेरा सब्र से काम लीजिए हजूर। अरे नहीं साहब, इसमें सब्र की भला क्या बात हुई, ये तो मेरा अपना निर्णय है। सुनैना जी, आप ही कुछ कहें, क्या किया जाए? आप तो घायल साहब की आए दिन बहुत मुझसे तारीफ करती थी ना, उनकी अच्छी खासी प्रशंसिका भी है। क्या सुनैना जी घायल साहब की प्रशंसिका? जी हाँ, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इन्होंने ही घायल साहब के एकल काव्य पाठ कराए जाने का प्रस्ताव मेरे सामने रखा था। ओ, तो फिर आप ही घायल साहब से कहें कि वे ऐसा निर्णय न ले। आपने उन्हें क्या कहूं, दरअसल ये कोरी पर्ची। मैंने ही वो कोरी पर्ची डाली थी, अब आप इसे कुछ भी कह लेंगे, क्योंकि आप मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, क्योंकि मैं भी उनसे अब वाह भाई वाह, भाई अरे विचार है, ये बहुत अच्छी बात है, आप दोनों को एक स्थायी श्रोता जो मिल गया। और अब तो सुनैना जी, आप घायल साहब से लेखन से संन्यास न लेने का अनुरोध भी है। कि मैं तो अनुरोध करूंगी कि नहीं नहीं, हम भी ऐसे मानने वाले नहीं हैं। पहले आपको इस कोरी पर्ची पर लिख कर देना होगा कि प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। हाँ ये ठीक है भाई, लीजिए सुनैना जी आपकी ये कोरी पर्ची। जी, जब वो आता है जाते ही आप सच बताइए, यदि मैं सच ना बताती कि कोई पर्ची मैंने डाली थी तो क्या वास्तव में लेखन से संन्यास ले लेते? अरे नहीं जी, मुझे तो मालूम था कि आप मुझे ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे, क्योंकि वो प्यार ही प्यार जो एक दूसरे को समझ ना सके। यानी कि मुसाफिर साहब मुझे आपके बारे में समय समय पर सब कुछ बताते रहते थे। और सच तो ये था सुनैना जी, कि मैंने भी जब आपको पहली बार सुना था तभी से। और वैसे सुनैना जी, सबसे ज्यादा धन्यवाद तो आप मुझे ही दे दीजिए, जिसके कारण आप दोनों। हाँ भाई, अब क्या विचार है, क्यों ना अगली गोष्ठी आप से घर पर रखी जाए विवाह के मौके पर। अभी हम समझाए थे लोगों में तक प्यार क्यों नहीं जाता, इसके लेखक थे दुर्गेश गुप्तराज और पेशकार राकेश डुंडियाल की थी। भाग लेने वाले कलाकार थे सफेद भंडारी, रविंद्र रामी और श्रीमती अमृता बहल।